الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم سورة الأعراف سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں آیہ نمبر 157 اور 158 تو ان آیات مبارکہ کا پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں دراصل یہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے جواب میں نازل ہوئی دعا ان کی یہ تھی جیسے اوپر کی آیت میں ہے کہ اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ لیجئے یعنی میرے لیے اور میری امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ لیجئے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے میں اپنا عذاب بھی دوں گا جس کو میں چاہوں اور میری رحمت بھی ہر چیز کو وسیع ہے اور آپ نے جو دعا کی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دوں تو یہ میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا کہ ایک وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی مجھ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو یہ دعا ان کے لیے قبول ہے پھر وہ لوگ ان کے لیے یہ دعا قابل قبول ہے جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے یعنی جس کا لقب کیا ہے امی جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو اور وہ نبی امی وہ ہے کہ جس کو یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں ان کا ذکر خیر تورات انجیل میں موجود ہے وہ نبی امی ان لوگوں کو حکم دے گا اچھے کاموں کی منع کرے گا منکرات سے حلال قرار دے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے گا ان پر خبیث چیزیں اور ان پر سے بوجھ اتار پھینکے گا سخت احکامات کے جو بوجھ تھے وہ بھی اتار دے گا اور وہ توپ جو ان لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے تھے تو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور
उसके साथ तआवुन करे, उसकी मदद करे और उस रोशनी पर ईमान लाएं जो उनके साथ लाज़िम की गई है कुरान मजीद, तो बस यही लोग फलाह पाने वाले हैं। दूसरी आयत में है कि कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, वो अल्लाह के आसमानों और जमीन की हुकूमत उसी की है, मैं उसका नुमाइंदा बनकर आया हूं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी और मौत देता है, सो तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके उस रसूल पर ईमान लाओ जिसका लकब उम्मी है। वो रसूल खुद भी तो अल्लाह पर और उसकी सारी बातों पर ईमान लाता है और उस रसूल की पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। ये इन आयत मुबारक का तर्जुमा था जो मैंने आपके सामने तिलावत की। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था, आपको बताया भी गया था कि आज हम इस मुख्तसर से टाइम में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कुछ बात करेंगे। बात तो बड़ी ऊंची कही थी कि सीरतुल नबी, लेकिन आप जानते हैं कि सीरतुल नबी का मतलब है कि हुजूर की पूरी हयात तैयबा, पूरी मुबारक जिंदगी के बारे में कहा जाए, वो तो सारी जिंदगियां हमारी खत्म हो जाएंगी और हुजूर की पूरी जिंदगी की क्या उनकी जिंदगी का एक हिस्सा भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए नाम तो सीरतुल नबी का है लेकिन बात थोड़ी सी होगी सीरत का एक हिस्सा ही थोड़ा सा होगा। वो ये कि अल्लाह ताला के नवाजिश से, मेहरबानी से हम सब लोग रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और बहैसियत आपके उम्मती होने के हुजूर अलैहिस्सलाम के हम पर बहुत सारे हुकूक हैं, हक। तो वो सारे हुकूक हमने अदा करने हैं, उन हुकूक की जवाबदेही होगी अल्लाह के यहाँ। तो जब किसी को किसी हक का पता ही नहीं होगा तो वो हक अदा कैसे करेगा और उसकी जवाबदेही कैसे करेगा। तो इसलिए जिस चीज की अशद जरूरत है वो ये कि हम उन हुकूक को पहचाने और उनको अदा करने की कोशिश करें। जहां तक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना है तो वो हमारे बस की बात नहीं, इसलिए कि इमाम बोसीरी फरमाते रहिमहुल्लाह, फाकन नबीन फी खल्किन व फी खुलुकिन, के नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबियाए कराम से फोकियत ले गए हैं, फिल खल्क वल खुल्क, अपनी तखलीक के लिहाज से भी, अपने अखलाक और किरदार के लिहाज से भी। हर नबी अल्लाह ताला जब उसको मुंतखब फरमाते हैं और कार नबुवत, नबुवत की जिम्मेदारी उनको हवाले करते हैं तो उसको हर तरह से बाकमाल बनाते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह की नुमाइंदगी करता है, तो अल्लाह की नुमाइंदगी कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता, उसके लिए खुद अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं अपने मंदों में और जिसको मुंतखब करते हैं उसमें वो तमाम जवाहिर और कमालात वदियत रखते हैं जो इस मनसब के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, रिसालत और नबुव्वत का मनसब ये कसब से, मेहनत से, कोशिश से हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह जानते हैं कि रिसालत का मनसब कहां रखना है,
जा रखना है उसको इंतहाई बाकमाल शख्सियत बनाते हैं, यानी सरापा के लिहाज से भी वो बेमिसाल होता है और अंदरूनी कमालात के लिहाज से भी वो बेमिसाल होता है। तो नबी इंसानों में बेमिसाल होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप मुख्तसर सी गुफ्तगू इसमें इस पे करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे जो हुकूक हम पे हैं तो उनमें चंद एक हुकूक हम पहचाने और उनको अदा करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम अंबियाए कराम का यह है जो इन दो आयतों में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फल्लदीना आमनू बिही, यानी नबी पर ईमान का, ईमान पहला। तो नबी पर ईमान लाने का मतलब क्या है, यानी उनको अल्लाह का मुंतखब किया हुआ, इस मनसब के लिए अल्लाह की तरफ से चुना हुआ और हर तरह से कामिल और मुकम्मल इंसान तस्लीम किया जाए। और ये कि अल्लाह का नबी, हर नबी वो मासूम होता है, इस्मत की गारंटी अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है, यानी हर छोटे बड़े गुनाह से नबी महफूज, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, इसलिए कि उनकी जिम्मे अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होता है। तो ईमान ये पहला हक है, ईमान कि अल्लाह का नबी, एक तो ये है कि वो इंसानी बिरादरी से होता है, किसी और मखलूक से नहीं। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकते रुसुलन व मिनन्नास, अल्लाह सिर्फ दो मखलूकों से रसूल का इंतखाब करते हैं, फरिश्तों से करते हैं और इंसानों से करते हैं, तीसरी किसी मखलूक में रसूल और नबी का इंतखाब नहीं होता। और ये बात कई दफा अर्ज की है कि फरिश्तों में जो रसूल होता है उसकी ड्यूटी सिर्फ अल्लाह का पैगाम वसूल करके इंसानों वाले रसूल के पास पहुंचाना बस, और जो इंसानों में रसूल होता है नबी और रसूल, उसकी ड्यूटी है कि उस पैगाम को वसूल करके आगे पूरे इंसानों में उसको नशर करना। तो हमारे अकायद की किताबों में रसूल और नबी की तारीफ ये होती है, हुवा इंसानुन बासहुल्लाहु लितबलीगिल अहकाम, कि वो इंसान होते हैं और अल्लाह उनको अपने अहकामात पहुंचाने के लिए मुंतखब करते हैं और इस मनसबे आली पे फाइज करते हैं। तो पहला हक क्या है, ईमान बहैसियत रसूल के और उनको मासूम मानना। दूसरा हक होता है कि उनको सबसे ज्यादा बाअज़मत समझा जाए, बस उनसे ऊपर अज़मत वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के बाद साहिब अज़मत कौन होते हैं, अल्लाह के नबी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद इमामुल अंबिया है, वो तो इमामुल अंबिया है, तो उनकी क्या अज़मत निशान होगी। और किसी ने अच्छा कहा, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नव्वर अल कमर ला युम्किन सनाउ कमा कान हक्कुहू बादज खुदा बुजुर्ग, तु ये किस्सा मुख्तसर है। यानी ए बाजमाल पैगंबर, ए तमाम इंसानियत के सरदार, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन तमाम इंसानियत के सरदार हैं, आपने फरमाया अना सैयद वल्द आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, वाला फख्र, और फख्र के तौर पर नहीं करता, फख्र की बात नहीं है, ये एजाज है जो अल्लाह ने बख्शा। तो या साहिब अल जमाल या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नव्वर अल कमर,
आपके मुनव्वर चेहरे से चांद ने भी रोशनी हासिल की। कहते ला युमकिन सना कमा हक्का न हक, आपकी तारीफ जैसा कि तारीफ का हक है मुमकिन नहीं, इसलिए कि आपका आली मकाम क्या है। बादत खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर, बस अल्लाह की ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है जी, और फिर मखलूक में बरतर यानी आपकी ज़ात है। तो दूसरी चीज क्या हुई ईमान के बाद, इंतहाई अजमत, इंतहाई अजमत, ये भी नबी का हक है। और नबी का तीसरा हक उसके बाद है कि नबी दुनिया में सिर्फ अल्लाह का पैगाम नशर करने के लिए और पहुंचाने के लिए ही नहीं आते, बल्कि वो मुक्तदा और मुता बन के आते हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा, जब भी भेजा तो उसको मुता बनाकर भेजा कि उसकी कामिल इताअत की जाए, पैरवी की जाए, उसके नक्शे कदम पे चला जाए। तो नबी मुता होता है, उम्मत मुती होती है। आप कुरान मजीद में जा बजा पढ़ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो जी। अल्लाह की इताअत भी मुतलक है, बगैर किसी शर्त के। रसूल की इताअत भी मुतलक है, बगैर किसी शर्त के। लेकिन इतना फर्क है दोनों इताअतों में कि अल्लाह की इताअत बिज़ात है और रसूल की इताअत बिइज़्निल्लाह है। बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इताअत बिज़ात है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुरब्बी है जी। और रसूल क्योंकि हमारे खालिक नहीं है, हमारे उस तरह मालिक नहीं जैसे अल्लाह ताला है, इसलिए अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अल्लाह की इताअत पहचानने का वाहिद जरिया रसूल है। अल्लाह की इताअत कैसे की जाए, अल्लाह की इताअत कैसे की जाए, जब रसूल की इताअत करेंगे तो अल्लाह की इताअत होगी, ठीक है। तो इसलिए बगैर किसी शर्त के रसूल की इताअत लाजमी है, अल्लाह की इताअत भी जरूरी है। बाकी जितनी इताअतें हैं वो मशरूत हैं कि अगर वो, जैसे हुक्मरानों की इताअत है, जैसे आले इल्म की इताअत है, वो इस शर्त के साथ है कि अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहें तो मानो, और अगर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कहें तो मत मानो। ला ताअतल लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, या खालिक की नाफरमानी होती है, मखलूक की इताअत नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसी बात है ही नहीं, इसलिए वहाँ इताअत मुतलका है। तो एक हक क्या हुआ, इताअत का, और इताअत भी बगैर किसी शर्त के। फरमाते अल्लाह ताला ला तजलु दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को आपस में एक दूसरे के बुलाने की तरह मत समझो कि आए आए ना आए ना आए जी। उनके बुलाने पे तो आना ही होगा। इस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूल लिमा दाअकुम इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, रसूलुल्लाह जब बुलाएं तो फौरी तौर पे उनकी पुकार पे लब्बैक कहो, इसलिए कि उनकी पुकार तुम्हारी जिंदगी का बायस है। वो जो भी फरमाएंगे उसमें तुम्हारी हयात है, जिंदगी है। उनकी पुकार पे लब्बैक न कहना ये मौत है। तो बहरहाल ये इताअत मुतलका है, ठीक। इताअत के सिवा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर दौर में हर पैगंबर की का एक हक ये है कि इताअत के साथ, अजमत के साथ, ईमान के साथ उनसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत भी की जाए, सब चीजों से ज्यादा, सबसे बढ़कर, यानी सबसे बढ़कर तो मोहब्बत का हक अल्लाह का, ठीक है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह,
मोमिनों की सिफत यह है कि वो सबसे ज्यादा बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का जो सबसे बाला लेवल है, उसके बाद दूसरे नंबर का लेवल किसका है मोहब्बत का? वो नबी का है, रसूल का है। खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाईन, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता ता वक्ते कि वो मुझे अपने बाप से भी ज्यादा बढ़कर न चाहे, अपने बेटे से भी बढ़कर न चाहे, बल्कि तमाम लोगों से बढ़कर न चाहे, तो उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो देखिए, अल्लाह की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है? वो अल्लाह के नबी की है। लेकिन मोहब्बत याद रखिए दो किस्म की होती है। एक वो मोहब्बतें हैं जो खुद खालिक फितरत ने फितरत इंसानी में रख दी हैं, खुद अल्लाह ने रख दी, उनको हासिल करने के लिए जरूरत नहीं, वो हासिल शुदा है, पहले से मौजूद है, उनको मोहब्बत फितरी कहते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की एक आयत में वो गिनकर बता भी दी है। कुल, फरमा दीजिए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, बाप दादा सारे के सारे, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे जी, और अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियां, वाशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा खानदान बिरादरी, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमुहा, और तुम्हारे वो माल जो तुमने जमा कर रखे हैं, समेट रखे हैं, व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, तुम्हारे वो कारोबार और बिजनेस जिसमें घाटा और नुकसान से तुम डरते रहते हो कि तरक्की होती रहे कहीं कब न हो जाए, वो तुम्हारा बिजनेस कारोबार, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे वो मकान जो तुम्हारे पसंदीदा हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी पसंद से, बड़ी चाहत से तुमने बनाए हैं रिहायशी मकान, ये सारी चीजें, ये रिश्ते, ये दौलतें, कारोबार, ये मकान, असासे, ये सब के सब, अहब्बा इलैकुम, अगर ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा प्यारी हैं, ज्यादा महबूब हैं, किससे? मिनल्लाह व रसूलिही, अल्लाह से, उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत, कोशिश और जिहाद से, अगर ये ज्यादा प्यारी हैं, क्या मतलब इसका, यानी प्यारी हैं, क्या मतलब है, ये चीजें महबूब हैं और इनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली है, इनसे उल्फत होनी चाहिए, होती है, कोई निकाल सकता भी नहीं है, कोई लाख कहे कि मुझे बाप से मोहब्बत नहीं, कोई लाख कहे मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं, बीवी से नहीं, मुझे खानदान वालों से मोहब्बत नहीं, किसी आर्जी वजह से अगर किसी वक्त न हो तो न हो, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इनसे मोहब्बत नहीं, ये तो हो नहीं सकता, वो फिर इंसान ही नहीं, वो तो फिर वही जानवर हुआ। इसलिए कि इन सारी चीजों की मोहब्बत दिल में डाली गई है, कोई कहे मुझे मेरी तो माल से मोहब्बत नहीं, नहीं भी एक दर्जे में है, एक दर्जे में है, मतलूब है, और इस तरीके से मुझे मकान पसंद नहीं, मुझे सवारियां पसंद नहीं, ये सारी चीजें पसंद हैं और अल्लाह ने इनको दिल में दिल पसंद बनाया है, अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, फितरत का तकाजा है, अल्लाह फितरत से लड़ाना नहीं चाहते, ना इस्लाम हमें फितरत से लड़ाना चाहता है कि इनकी मोहब्बत को निकालो, क्यों, अल्लाह ने डाली, ये रहेगी रहेगी, लेकिन फरमाया कि ये नीचे रहे
اور اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کی محبت ان پر غالب رہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کی محبت میں نے کہا یہ فطرتی ہے, اللہ نے رکھی ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کی محبت یاد رکھیے یہ عقلی ہے, یہ عقلی ہے. عقلی اس محبت کو کہتے ہیں جو باہر سے لائی جاتی ہے, اس کے لیے اسباب پیدا کیے گئے ہیں, ان اسباب کے ذریعے سے وہ آتی ہے, خود رکھی نہیں ہے, اسباب کے ذریعے سے آتی ہے, اس کو کہتے ہیں عقلی. تو محبت عقلی جو ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے چار بڑے بڑے سبب ہیں جن سے محبت عقلی پیدا ہوتی ہے, کہ جب وہ خارج میں ایک سبب بھی پایا جائے, ایک سبب بھی پایا جائے تو محبت دل میں آ جائے گی, دو پائے جائے تو بھی آئے گی, تین پائے جائے تو بھی آئے گی, اور کبھی کبھی سارے ہی اسباب پائے جاتے ہیں تو اس محبت کا پھر کیا کہنا کہ جس کے اسباب سارے سب کے سب موجود ہیں. تو عقلی محبت کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب ہے کمال, خوبی. جب کسی کے اندر کوئی خوبی ہم دیکھتے ہیں, کوئی کمال ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے ساتھ پہلے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, اس کے کمال کی وجہ سے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. کمال کی وجہ سے دل فوراً دل میں محبت آ جاتی ہے. اور کمالات کی تو بڑی قسمیں ہیں, علمی کمالات ہیں, عملی کمالات ہیں, جی شجاعت اور بہادری کے کمالات ہیں, طلاقت لسانی یعنی حسن بیان کے کمالات ہیں, حسن تحریر کے کمالات ہیں. تو کمال تو کئی قسم کے ہیں, لیکن جس قسم کا بھی کمال آپ کسی میں دیکھیں گے نا تو صاحب کمال کی محبت دل میں آ جائے گی, چاہے آپ اس کو جانتے یا نہیں جانتے, اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن اس کے کمال کا شاہکار جب بھی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ واہ کتنا با کمال ہے جس نے یہ چیز بنائی ہے, حالانکہ وہ صدیوں پہلے گزر چکا ہوگا. تو دیکھیے کتنی باکمال شخصیات, میں صرف دینی نقطہ نظر سے کہتا ہوں کہ کتنی باکمال شخصیتیں دنیا میں گزری ہیں جو ہم سے صدیوں پہلے گزرے ہیں, وہ لوگ کسی میں علمی کمال تھا, کسی میں عملی کمال تھا, ہم صرف پڑھتے ہیں تاریخ میں یا کسی سے سنتے ہیں کہ فلاں میں یہ کمال تھا تو ہمارے دل میں اس کی محبت آتی ہے کہ نہیں آتی, ہماری زبانوں پر اس کے لیے مدح و ثنا کے الفاظ آتے ہیں یا نہیں آتے, ہماری زبانوں پر ان کے لیے دعا کے کلمات آتے ہیں کہ نہیں آتے. جی آتے ہیں, دیکھیے ہم سنتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے با خدا بندے تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, ہم نے کیوں دیکھے, ہم کبھی بغداد گئے ہیں, ہم سے تو صدیوں پہلے گزرے ہیں, لیکن سنا ہے کہ بڑے باکمال انسان تھے, اللہ کے بڑے نیک ولی تھے, تو ان کی محبت سب کے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے, اور زبان پہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے, کوئی رشتہ تھا ان کے ساتھ ہمارا؟ جی کوئی رشتہ بھی نہیں, اس لیے کہ کمال ہے. علی اجمیری رحمہ اللہ لاہور کے ہیں, ایک بڑے با خدا بزرگ گزرے ہیں, ہم نے دیکھا تک نہیں, لیکن ان میں ایک عملی کمال تھا, ایک اللہ کے نیک ولی تھے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. فرید الدین گنج شکر رحم اللہ ہے, نظام الدین اولیاء رحم اللہ ہے, خواجہ اجمیری رحم اللہ ہے, تو یہ حضرات تو کتنے پیارے گزرے ہیں, لیکن کمال ہے. اور دوسری طرف یہ علمی کمال, امام ابو حنیفہ رحم اللہ, جی امام شافعی رحم اللہ, جی امام اوزائی رحم اللہ, سفیان ثوری رحم اللہ, یہ تمام حضرات, امام بخاری رحم اللہ, امام مسلم رحم اللہ, یہ سارے کے سارے با کمال لوگ تھے
जिनमें इल्मी कमाल था, किसी में अमली कमाल था, किसी में दोनों कमाल थे, तो इन कमालात की वजह से आज हमारे दिल उनके सामने झुकते हैं और हमारी जुबानों पे उनके लिए मदहा के अल्फाज आते हैं, दुआया कलिमात आते हैं, इसलिए कि उन्हें कमाल था। इसी तरीके से आप देखें तो बाकी कमालात, तो जिसमें कमाल होता है मैंने कहा ना, तो साहिब कमाल हमारी आंखों के सामने हो या ना हो, उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। दूसरा सबब अकली मोहब्बत के दिल में आने का होता है जमाल, खूबसूरती, हुस्न। हुस्न एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है कि जब किसी के हुस्न के बारे में सुने या किसी हुस्न जमाल वाले को देखे तो फौरन उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। जमाल ऐसी चीज अल्लाह ने पैदा की है कि दिल की कशिश है उसकी तरफ, कमाल ऐसी चीज है कि दिल की कशिश है उसकी तरफ। फूल की पत्ती को देखते कहे वाह वाह कैसा अच्छा कलर है, कैसी अच्छी खुशबू है। इसी तरीके से हम हरे भरे पत्तों को देखते हैं, खूबसूरत पत्थर को देखते हैं, हर खूबसूरत चीज को देखते हैं तो दिल को लुभाती है और दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है। तो जमाल एक ऐसी चीज है कि जिसकी मोहब्बत दिल में साहिब जमाल की दिल में आती है। तीसरी चीज जिसकी मोहब्बत दिल में आती है और पहले से नहीं, वो है एहसान, भलाई। जब कोई किसी के साथ नेकी करता है, भलाई करता है, तो मुहसिन की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है। इसने मेरे साथ अच्छाई की है, इसने मुझे फलानी चीज दी है, मेरा ये फलाना काम किया है जी। ऊपर से कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी गोशे में अपने मुहसिन के साथ रबत पैदा हो जाता है, आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। इसी के एहसान चीज ऐसी है। और चौथी चीज है माहियत, साथ, साथ रहना। जिसके साथ ज्यादा अरसे तक आप साथ रहेंगे ना, तो उसके साथ भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, साथी बन जाएगा। वो चाहे किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, कोई इसी जुबान बोलता हो, मगर आप उसके साथ रहे हैं तो साथ रहने की वजह से उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। ये मेरा साथी है, ये मेरा रूममेट था, इतना अरसा हम साथ रहे हैं। खुदा ना करे अगर झगड़ा वगड़ा ना हुआ हो ना, तो फिर उसकी मोहब्बत जरूर दिल में होती है, साथ रहने। तो ये चार मेरे का बड़े असबाब हैं और इनको कहते हैं असबाब अकली मोहब्बत दिल में पैदा करने के। ये फितरती चीज नहीं है, जब ये चीजें बाहर होती हैं तो मोहब्बत दिल में आती है। अब इन चीजों को देखिए और फिर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जिक्र खैर की रम इकट्ठे हुए, फिर देखिए कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन असबाब में से एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे असबाब मौजूद हैं, सारे के सारे असबाब मौजूद हैं। और असबाब भी कोई मामूली दर्जे के नहीं, बिल्कुल कमाल दर्जे के, कि जिसके ऊपर फिर कोई और लेवल नहीं। यानी कमाल को देखें तो सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कमाल किसी में नहीं। जैसे मैंने अर्ज किया कि कमालात बहुत होते हैं, इल्मी कमाल देखें, आपका अमली कमाल देखें, ठीक है ना, और पैगंबरी करीम अलैहिस्सलाम का जुबान दानी का कमाल देखें, आप अफसखुल अरब थे। आपकी बहादुरी का कमाल देखें, कान रसूल अशजाउन्नास, सब लोगों में हुजूर बहादुर थे, क्योंकि बहादुरी का कमाल है, आप सबसे ज्यादा बहादुर थे। और रहमतुल्लाह आलमुन्ना, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे, इल्मी कमाल। और काना आप उदन्ना, सबसे ज्यादा आप इबादत करने वाले थे,
यानी किसी कमाल में आपका कोई हमसर नहीं। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन अना खतीब हूं, कयामत के दिन मैं खतीब हूंगा सबका, मैं लेक्चरार हूंगा और कोई नहीं बोल सकेगा। खतीब ऐसे माशाल्लाह ऐसे जामे कलिमात आपकी जुबान पे अल्लाह ताला जारी फरमाते थे कि छोटा सा कलमा बोला उसके नीचे समुंदर इलम का आगे। तो मतलब ये है कि रहमतुल्लाह सन जामियुल कमालात थे, जामियुल कमालात। सबसे बड़ा कमाल क्या है इंसानियत के लिए, सबसे ज्यादा शर्फ की बात क्या है, सबसे ज्यादा इज्जत की बात क्या है इंसानियत के लिए, सबसे बड़ा मर्तबा क्या है? नबुव्वत और रिसालत। नबुव्वत और रिसालत से ऊंचा कोई बड़ा मकाम नहीं है। तो सब नबी इस मनसब के हामिल होते हैं और मेरे आका तो फिर इमामुल अंबिया है, वो तो फिर नबियों के भी। तो आपका कितना हाई लेवल है, कमालात में कितना है जी। तो आप नबी हैं, आप रसूल हैं और रहमतुल आलमीन सबसम फिर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। खत्मे नबुवत का ताज अल्लाह ने आपके सर पे रखा, सिलसिला नबुवत आप पे खत्म कर दिया, यानी जो कमालात नबुवत के चले थे वो आप पर मुंतही हो गए, अब आगे और कोई कमाल नहीं रहा। तो पैगंबर इकरम जैसा कोई साहिब कमाल दुनिया में नहीं आया, और रहमतुल्लाह अलैहि जैसा जमाल वाला भी कोई नहीं आया। यूं तो मशहूर है कि जमात अंबिया में यूसुफ अलैहिस्सलाम बा जमाल थे, तो ठीक बात है जमाल थे। खुद लैलतुल मेराज में सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया कि यूसुफ को आधा हुस्न दिया गया था, आधा हुस्न। आले इल्म कहते हैं कि ये आधा हुस्न से मुराद ये है या तो अपने जमाने के उनके जमाने के सारे हसीनों में आधा उनका था आधा बाकी हसीनों पर, या फिर ये कि सारे ही इंसानों में आधा उनका था और आधा सबका, लेकिन इस आधे में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है आपके अलावा, यानी आपके अलावा शत्रुल हुसन जो उनको मिला वो आपके अलावा, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुसन है वो नाकाबिले तकसीम है। इमाम बुसीरी फरमाते रहिमहुल्लाह मुनज़्ज़ुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौअरल हुस्न फी गैर मुनक़सिम, कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न व जमाल में किसी भी शरीक की शराकत से बाकी, आपके हुस्न में कोई शरीक नहीं। आपको अल्लाह ने जो हुस्न जमाल का जौहर दिया है वो नाकाबिल तकसीम है कि कुछ किसी को दिया कुछ आपको दिया, नहीं। लेकिन ये याद रखें कि हुस्न की भी दो किस्में हैं, एक हुस्न सबाहत होता है और एक हुस्न मलाहत होता है, यानी एक चमकीला होता है, चमकीला कि जिस पे नजर न ठहरे, जैसे कि सूरज का हुस्न जो है ना चमकीला है नजर नहीं ठहरती। तो कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हुस्न सबाहत था कि देखते ही होशो आवाज उड़ जाते थे, देखते ही होशो आवाज उड़ जाते थे, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मलाहत था जिस पे नजर रुकती थी और आहिस्ता 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 आहिस्ता। हाँ हजरत अली फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला हो कि मन राव बदातन हाबा व मन खालतहू अहब्बा, जो अचानक हुजूर को देखता तो घबरा जाता था इतनी हैबत थी, अच्छा, लेकिन जो आपके साथ घुल मिल जाता था तो फिर खूब प्यार करता था, खूब प्यार करता था। और फरमाते हैं कि
जिसने हुजूर को देखा ना आपसे पहले आप जैसा किसी को देखा ना बाद में किसी को देखेगा, बस आप यकताए जमाना थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह अहसनुन्नास, मेरे महबूब पैगंबर सब लोगों में हसीन थे। का अन्न शम्स तजरी, जैसे कि आपके चेहरे में सूरज चल रहा हो। हजरत अनस रजी अल्लाह आपके खादे में खास फरमाते हैं काना अजहर रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरे अनवर, आपका जमाल खिला हुआ था, साफ था बिल्कुल, और आपके पसीने की बूंदें मोतियों की तरह होती थी। यहां पसीना निकला मोती की तरह, मोती की चमक उसमें पैदा होती थी। ये तो शक्ल है, और फरमाया कि मैंने कोई आला से आला खुशबू आपके पसीने से ज्यादा मुअत्तर नहीं सूंगी। इनकी वालिदा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार भी थी, कभी हुजूर तशरीफ ले जाते तो आपके लिए चटाई बिछा देती थी, चटाई पे आप आराम फरमाते थे, गर्मी का मौसम होता था अरब में आप जानते हैं, तो पसीना हो जाता था। तो इनकी वालिदा एक बॉटल छोटी सी ले आती थी, वो पसीना थोड़ा थोड़ा करके उसमें जमा कर देती थी। एक दिन आपने पूछा ये क्या कर रही है, हुजूर अपनी दीगर इत्रियात में इसको शामिल करती हूँ, खालिस नहीं, इसमें इत्रियात में शामिल करती हूँ, जब ये शामिल होता है तो उस इत्र की फिर बात ही क्या है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजर जाते थे हमें पता चलता था कि इस स्ट्रीट से आपका गुजर हुआ है, कैसे का स्ट्रीट मुअत्तर हो जाती, आपके गुजरने से खुशबू फूट जाती थी। तो पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का ऐसा मुरक्का थे कि अल्लाह ताला ने गैर मुनकसम हुस्न आपको दिया था। आपके दरबार के शायर हसान बिन साबित रदी अल्लाह ने फरमाते हैं वह अहसन मिन का लम तरा कत्तु ऐन, मेरे महबूब पैगंबर आपसे ज्यादा हसीन किसी किसी आंख ने नहीं देखा। खैर उनका शेर तो ये था कि अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और किसी जनने वाली ने आपसे ज्यादा जमील और खूबसूरत नहीं जना। खुलिक्ता मुबर्रान मिन कुल्ले ऐबिन, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नक कद खुलिक्त कमा तशाउ, जैसे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी पूछ कर पैदा किया हो। यह सहाबी का खुद हुजूर के सामने आपकी तारीफ बयान करना, इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं, इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं। अगर मुबालगा होता तो हुजूर टोक देते कि नहीं आसान सी बात नहीं करो, आपने कुछ नहीं कहा, मतलब कि जो कहा वो ठीक कहा। तो बहरहाल उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि किसी आंख ने भी नहीं देखा तो ज्यादा बरमाल होगा कि किसी आंख ने भी आप जैसा हसीन नहीं देखा। तो पैगंबरी करीब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे बाजमाल और साहिबे हुस्न जमाल वाले थे, अगर जमाल जरिया मोहब्बत है तो आप सबसे ज्यादा महबूब हैं, जमाल के रस्ते से भी सबसे ज्यादा महबूब हैं, कमाल के जरिए से भी आप सब कमाल के रस्ते से भी आप सबसे ज्यादा महबूब हैं, ठीक है। अच्छा सवाल आज Is it okay with everybody? We want to increase the time from 8 o'clock to 8:15. Inshallah, we'll pray the Asha prayer at 8:15. अगर सब राजी हैं तो तब। Is it okay with everybody? Yes. नहीं तो भाई हम 8 बजे नमाज पढ़ के बाकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन सिलसिला पड़ी है। अगर आप थोड़ी सी कुर्बानी दे दें तो कैसी बात करूँ? Is it okay with everybody? Yes. So we'll inshallah pray. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
ये 15 मिनट जो आपके ज्यादा होंगे तो ये भी आपके नाम आए अमल में इंशाल्लाह हमारे अमल लिखे जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। तो तीसरी चीज में बहुत मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये मौजू घंटों का या मिनटों का या दिनों का नहीं, ये सारी जिंदगी का है। लेकिन दोस्तों ने कहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा कर लेंगे। तीसरी चीज मैंने कहा क्या है, एहसान। जब कोई किसी के साथ एहसान करे तो मुहसिन की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। इस रस्ते से देखें तो अल्लाह के एहसानात के बाद अगर हम पर किसी के एहसान है, सबसे ज्यादा एहसान है, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बेशक हम पर माँ बाप के भी एहसान हैं जी, हम पर दोस्त अहबाब के अब एहसान हैं, पड़ोसियों के एहसान हैं, मोहल्ले वालों के एहसान हैं, कई लोगों के एहसान हैं, उस्ताद के एहसान हैं वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा एहसान किसके है हम पर, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के एहसान के बाद सबसे बड़े मुहसिन मुहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला हुजूर से के बारे में फरमाते हैं अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते वाला सिफात मोमिनों से उनकी जान से भी आगे है, उनकी जान से भी आगे। अगर रहमतुल्लिल आलमीन सबसे मबूस न होते, अल्लाह ने हमारे लिए पैगाम नजात देकर न भेजते तो हमारे ये वजूद कहाँ जाते, गुमराहियों में फंस कर, गुनाहों में फंस कर, जलालत में फंस कर, आखिर जहन्नम का ही दम। तो कितना बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह ने मुहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्होंने हर तरह की तकालीफ बर्दाश्त करके हमें कुफर के अंधेरों से ईमान की रोशनी में लाया। कितनी जद्दोजहद की, एक मुस्तकिल मौजू है और एक दिन का मौजू नहीं, ये भी बरसों का मौजू है कि हुजूर ने कितनी जद्दोजहद किया, जानते हैं इस बात को, कितने दुख उठाए, कितनी परेशानियां उठाई, और कहीं हुजूर हमें नहीं भूले। हम तो सिर्फ अब फलां दिन में ही बात करेंगे और फलां तारीख को बात करेंगे, लेकिन हुजूर ने हमें कभी नहीं बुलाया। मेराज में गए तो हमें नहीं भूले जी, गारों में हमें नहीं भूले, घरों में नहीं, मस्जिद में नहीं, मारकाई जंग में, कहीं भी हुजूर इस उम्मत को नहीं भूले और कल कयामत के दिन भी इस उम्मत को नहीं भूलेंगे। जहां तमाम अंबिया इकराम नफसी नफसी पुकारेंगे, जैसे कि हदीस में है, जब उनसे इस्तिशफा किया जाएगा, शफात की दरख्वास्त की जाएगी, तो हर पैगंबर कहेगा कि मैं इस वक्त इस लायक नहीं कि तुम्हारी सिफारिश करूं, तुम फुला के पास जाओ, तुम वो कहेंगे तुम फुला के पास जाओ, तो सिलसिला रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएगा जी, और आप कहेंगे कि ये काम आज मैं ही अंजाम दूंगा। तो आप अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पे फाइज फरमाएंगे और फिर आप वहां पर क्या करेंगे, उम्मत की सिफारिश करेंगे, और उस वक्त सिफारिश बाकायदा करते रहेंगे जब तक कि कोई उम्मती जहन्नम में नहीं रहेगा। तो कितना बड़ा एहसान है पैगंबरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बेशुमार। तो एहसान के रास्ते से देखें तो वो महबूब, कमाल के रास्ते से देखें तो वो महबूब, जमाल के रास्ते से देखें तो वो महबूब, सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजा कमाल मौजूद। इसी तरीके से माइयत है, माइयत तो पैगंबरी करीम अलैहिस्सलाम की माइयत यानी आपका साथ होना, जाहिर बात है कि एक माइयत हिस्सी है, जैसे हम सब इकट्ठे बैठे हुए, तो ये माइयत तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को कमो बेश हासिल थी कि वो आपके मजालिस में तशरीफ लाते बैठते थे और हिस्सी मईयत आपको हासिल होती थी। लेकिन एक मानवी मईयत है और वो हुजूर अलैहिस्सलाम को के साथ हर उम्मती को आपके साथ हासिल हो सकती है।
हर उम्मती को हासिल हो सकती है, और वो किससे? उमाइयत हासिल हो सकती है मोहब्बत से। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला को गालिबन करा वो बैदुल्ला बिन यजीद रदी अल्लाह तआला था, वो फरमाने लगे कि आका मैं घर जाता हूं तो बेकरार हो जाता हूं, जब बेकरार हो जाता हूं तो फौरन में आपकी खिदमत में आता हूं और आपके चेहरे अनवर और आपकी मजलिस में मुझे करार और सुकून आता है। अब तो ये सिलसिला चल ही रहा है, जाता हूं आता हूं जाता हूं आता हूं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि आखिर एक दिन मुझे दुनिया से भी जाना है और आपने भी इस दुनिया से जाना है और फिर जन्नत में सबसे आली मकाम आपका होगा, सबसे आली मकाम, और मैं अगर जन्नत में पहुंच भी गया तो किसी कोने कोठरे में मामूली जगह में हूंगा, तो सोचता हूं कि वहां क्या बनेगी, क्या बनेगी। जो हुजूर ने से ये उन्होंने जिक्र किया बड़े सादगी से बड़े दर्द के साथ, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी सूरह निसा की कि मन युतिल्ला व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, नक्श कदम पे चलेगा, हुक्म बरदारी करेगा, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, इनको चार तबकात की महियत नसीब होगी, साथ होना नसीब होगा, सबसे बाला तबका अंबियाए कराम, फिर सिद्दीकी, फिर शुहादा और सालेही, वह हसना उलाइक रफीका, और ये हजरात बहुत अच्छे हैं रफाकत और दोस्ती के लिहाज से, ये इनको दोस्ती हासिल। एक और सहाबी तशरीफ लाते थे तो बस उनका काम ही था बस चेहरे अनवर पे नजरें टिका के बैठ जाए, पूछते उठते कम थे, बस देखते देखते थे। एक दिन आका ने पूछा कि भाई तुम और आते हैं, कोई मसला पूछते हैं, कोई इधर उधर, तुम बस क्या बात है? कहा हजरत बस ये है कि कहता हूं यही लूटने का वकाम है, कुछ लूट लू, आगे पता नहीं फिर क्या बनेगा, आप कहां होंगे मैं कहां होऊंगा, तो इस फुर्सत को मैं गनीमत समझता हूं कि देख लू जितना देख लू, फिर पता नहीं मुझे देखना। तो आपने फरमाया, शफकत से फरमाया कि भाई घबराने की बात नहीं, अल मरु मामन अहब्बा, जो आदमी जिससे प्यार करता है उसकी महियत उसको हासिल होगी, तो फिक्र नहीं करो, आगे चलकर भी इंशाल्लाह इससे ज्यादा महियत हासिल होगी, इससे ज्यादा मैयत हासिल हो। तो मतलब यह है कि मैयत आज भी उन लोगों को हासिल है जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो आपके फरमाबरदार हैं, आपके इताअत शियार हैं, दिल में मोहब्बत रखते हैं, अमल से अपनी मोहब्बत की तस्दीक अमल से करते हैं, अपनी मोहब्बत की तस्दीक। और याद रखिए मोहब्बत भी सच्ची वही है जिसकी अमल तस्दीक कर, और जिस मोहब्बत की अमल तस्दीक नहीं करता वो तो फिर जबानी और खाली खुली बातें करते हैं। तो बातों से हम एक दूसरे को तो खुश कर सकते हैं कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे बड़ा प्यार है जी, लेकिन देखिए अल्लाह और अल्लाह के नबी को तो ये धोखा कोई नहीं देख सकता। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते रहिमहुल्लाह, तोसिन इलाह व अंत तुजर हुब्बहु, ए बंदे तू कदम कदम पे अपने माबूद बरहक की नाफरमानी करता है और जुबान से तू मोहब्बत की बातें भी करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है जी, और तू अमल भी कोई कोई नहीं करता, नाफरमानी भी किया जाता है। हाजा लामरी फिल फियाल अजीब, ये तेरा मामला बड़ा ही अजीब व गरीब, फिर फरमाते लोकान हुब्बू का सादिकन लाता कर, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती ना तो तू फिर इताअत करता, नक्शे कदम पे चलता,
इसलिए कि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, मुहिब अपने महबूब का मुती होता है, फरमाबरदार होता है, वो तो उसके बरखिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता जो सच्चा होता है। तो इसी को आप रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाएं कि तो सिर्फ रसूल अबानता तो जरे हुब्ब हो, ए जुबानी लाफ जनी करने वाले इंसान, क्या तू कदम कदम पे रसूलुल्लाह की मुखालिफत किया जा रहा है और जुबान से उनकी मोहब्बत के दावे भी करता है। हादा लामरी फिल फियाल अजीबू, ये बात बड़ी अजीब है। कुल्लो कान हुब्बुका सादिकन लाकातहू, अगर तेरी मोहब्बत आका से सच्ची होती तो तू जरूर उनका फरमा बुरदार होता, क्योंकि मुहिब अपने महबूब का मुती होता है, फरमा बुरदार होता है। तो इसलिए सच्ची मोहब्बत जो है ना वो अमल से मालूम होती है। तो ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम हैं, मोहब्बत और इताअत। अगर मोहब्बत है तो इताअत होगी, और खाली देखिए खाली इताअत भी हो सकती है मोहब्बत के बगैर, ये भी हो सकती है, क्योंकि कभी आदमी सिर्फ कानूनी तौर पर दूसरे की बात मानता है, दिल से नहीं मानता। जैसे फर्ज करें आपका मुकदमा जज के पास गया है, अब कानून और आप मजबूर हैं, जो फैसला करेगा आपको मानना होगा, और अगर आपके खिलाफ है फैसला तो आप दिल से नहीं मानेंगे, लेकिन ऊपर से आप कहेंगे ठीक है। इसी तरीके से कानूनी इताअत को मुनाफिक भी करते थे, कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी हुजूर के पीछे पढ़ते थे कानून, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं थी। तो खाली खूली इताअत भी नहीं और खाली मोहब्बत का दावा भी नहीं, ये दोनों चीजें लाजम मलजूम हैं। मोहब्बत भी सच्ची हो तो इताअत भी सच्ची हो, और जब सच्ची मोहब्बत होती है तो वो खुद बता देती है कि ये सच्ची मोहब्बत है, वो खुद बता देती है कि सच्ची मोहब्बत है। हमें पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा करने के लिए मुहिब्बाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। आपके सच्चे मुहिब कौन लोग थे? सहाबा इकराम यानी वो जमात के जिनको अल्लाह ताला ने आपकी रिफाकत के लिए खुद चुना था। देखिए याद रखिए सहाबा भी अल्लाह का चुनाव। पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारनी सहाबी अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे चुना है और मेरी सोबत के लिए भी मेरे सहाबा को चुना है। तो वो भी कोई इत्तेफाकी बात नहीं, इत्तेफाकी जमात नहीं, बल्कि अल्लाह का चुनाव है। हसन ज़े बसरा, बिलाल ज़े हबश, सुहैब ज़े रूम, ज़े खाके मक्का, अबू जाल ज़े बुला जबीस। सुहैब को लाए कहां से? रूम से। बिलाल हबश से आए, सलमान ईरान से आए, बिलाल हबश से आए, हसन बसरा से आए, और अबू जाल मक्का के अंदर पैदा होने वाला। तो नजरे इंतखाब नहीं तो नहीं, इंतखाब है तो कहां कहां से। तो ये जमात मुंतखब थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिलों को मैंने तकवा के लिए परख लिया था कि तकवा का बीज इनके दिलों में डाला जाएगा तो बरगुबार आएगा। तो सहाबा इकराम वो मुखलिस लोग, सच्चे लोग थे कि जिन्होंने सही माने में हुजूर सल्लम की मोहब्बत दिल में रखी और इताअत की। ज़ैद बिन तसना रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, दुश्मन ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने दुश्मनाने दीन पर बेच भी दिया, और जब उन दुश्मनाने दीन ने इनको शहीद करना चाहा तो उनसे एक दिन पूछा कि ज़ैद ये बताओ अगर आज तुम आराम और सुकून से अपने घर बैठे होते और तुम्हारी जगह माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फांसी पे लटकाते तो क्या समझते हो ठीक होता? तो
تو حضرت زید اکیلے ان کے مجمع میں گرفتار ہے, وہ آپ نے کیسی بات کی؟ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو, اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے محبوب آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں, تم کون سی باتیں کرتے ہو, تم اپنی کاروائی کرو, یہ امتحان مجھ سے لو. اور یہ صرف مردوں کا حال نہیں تھا, خواتین صحابیہ کا حال بھی یہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ آقا ہی کو چاہتی تھیں, باقی چاہتے دوسرے تیسرے نمبر پہ تھی. جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تین محبوب شخصیات شہید ہو گئی, شوہر تھا وہ بھی شہید ہو گیا, بیٹا بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا, تین. جب ان کی شہادت کا پتہ چلا کہ اتنا نقصان ہو گیا, اتنے لوگ شہید ہو گئے, تو بھاگی ہوئی گھر سے مدینہ سے کوئی احد کی روانی کہ جاؤں خبر ہوں کہ میرے آقا کا کیا ہوا. رستے میں کسی نے کہا کہ بی بی آپ کے شوہر کا کی شہید ہو گیا ہے, باپ بیٹا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں کہ نہیں. کہا وہ بحمد اللہ خیریت سے ہیں. کہا جب تک دیکھ نہ لوں خیریت سے تو چین نہیں آئے گا. تو میدان میں پہنچ گئی, کسی نے اشارہ سے بتا کہ وہ آقا موجود ہے. آقا کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول, آپ کے ہوتے ہوئے محبوب کی, اے محبوبی کبریا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت مصیبت نہیں, آپ سلامت ہیں تو سب ٹھیک. دیکھیے تین آدمی شہید ہو گئے قریب ترین, لیکن حضور کو دیکھا تو چہرہ. تو صحابہ کرام کی جماعت سچی اور شاد کی جماعت تھی. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کیجیے. اپنے پاس سے کوئی طریقہ ایجاد کرنا, اللہ نے جس جماعت کو منتخب کیا اس کام کے لیے اس جماعت کو دیکھیے. تو برادران محترم, میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے, عقلی ہے, اس کے اسباب ہیں, اور وہ اسباب پیغمبر کریم علیہ السلام میں بوجہ اتم پائے جاتے ہیں, سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. صرف ضرورت اس لیے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کے جمال و کمال کی باتیں کتابوں میں پڑھیں, آل علم سے سنیں جی. اور یاد رکھیے کہ سیرت کی سب سے زیادہ جامع کتاب وہ قرآن مجید ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیا تھے, اے ام المومنین آپ بتائیے اخلاق عالیہ کیا تھے. آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا. مجھے قرآن تو پڑھتا ہوں. فرمایا کان خلوق القرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بس قرآن تھے, جو قرآن میں ہے وہی حضور کی زندگی. پاک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آپ کی احادیث میں ہے, جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کی تفسیر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور آپ کی سیرت مقدسہ کی, یعنی وہ سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ پائیدار اور محفوظ سیرت ہے. اس کے بعد اور پھر جو آل علم نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیجئے, اور پھر آل علم آل صلاح آل تقویٰ کی مجالس میں جائیں تو اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگی, محبت. اگر آپ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی تو پھر آپ کی اطاعت بھی آسان ہو جائے گی. اگر سچی محبت پیدا ہو گئی تو پھر اطاعت بھی آسان ہو جائے گی, پھر دل میں عظمت بھی پیدا ہو جائے گی. اور یہی کیا چیز ہے, اللہ فرماتے ہیں اولائکم المفلحون, یہی لوگ فلاح پائیں دنیا میں بھی اور آخرت بھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
तो उसके बारे में काफी कंफ्यूजन कम्युनिटी के अंदर उठ रही है कि क्या जो सारे हमने गुजारा है उसको आखिर में आपको सुनना चाहते हैं क्या इस दिन के अंदर इससे क्या हो रखे हैं। चेहरा देखने से देखने में कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि उनकी जनाजे को कंधा भी दे सकते हैं, और कोई महरम अगर कब्र में उतारने वाला नहीं है तो कब्र में उतार भी सकता है, तो चेहरा देखने में कोई हर्ज की बात नहीं। निकाह खत्म होना और बात है, चेहरा देखना और बात है, मतलब कि चेहरा देख सकते हैं, इसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये तदफीर के अमल में भी शिरकत कर सकते हैं। अलबत्त ये कि शोहर बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है।